गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10th का इतिहास का यानी अंग्रेजों का प्रतीका एवं संघर्ष, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा यानी अंग्रेजों का अगर बात करें हैं तो यानी अंग्रेजों का प्रतिकार। और भारतीय जनता का अंग्रेजों के साथ संघर्ष, ठीक है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी, हमने देखा पिछली क्लास में हमने यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना, यानी 1919 तक चले हम, देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं तो यानी इसमें 1919 तक हम पहुंच गए हैं। अब यानी यहां पर गांधी जी की फुल एंट्री होती है। अब गांधी जी के नेतृत्व में यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से यानी 1915 में ही यानी भारत आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को, और जो ये दिन यानी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को। अब यानी गांधी जी इससे अभी इस जो आप आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें गांधी जी ही यानी गांधी जी के द्वारा जो भी असहयोग आंदोलन है या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम 1919 तक इस आंदोलन को खींच रहे हैं जबकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो विशेष रूप से यानी हमारा यानी एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक इससे पहले असहयोग आंदोलन, कौन सा असहयोग यानी असहयोग, यानी आपको तो ध्यान देना असहयोग नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करनी है, यानी असहयोग यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा डिसओबीडियंस, यह भी गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था आंदोलन, ठीक है, जो नमक कानून यानी दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। तो शुरुआत करते हैं यानी गांधी जी के जो आंदोलन है उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यानी असहयोग व खिलाफत, कौन सा है असहयोग एवं खिलाफत, खिलाफत का मतलब खिलाफत हो जाना किसी के बीच, ठीक है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, देखो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में, किसके, तुर्की का जो खलीफा, खलीफा का मतलब ये होता है इनका धर्म गुरु या इनका जो सबसे बड़ा धर्म का जो गुरु होता है, धर्म गुरु मुसलमानों का, तो मुसलमानों के द्वारा तुर्की के जो खलीफा के सम्मान में चलाया था, किनों ने चलाया था, भारतीय मुसलमानों ने चलाया था। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था, धार्मिक रूप से यानी प्रमुख था, जितने भी जो यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो खलीफा के यानी संदेश या खलीफा का आदेश मानते हैं। तो कहने का मतलब कि तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया, यानी ध्यान देना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 19 अक्टूबर 1919 कि पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और गांधी जी को यानी हिंदुओं को और मुसलमानों में ये जो एकता, ये मौका दोनों को एक करने का मौका था और ये मौका गांधी जी नहीं गंवाना चाहते थे। तो गांधी जी ने भी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसर ए हिंद की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया। शुरू में जब गांधी जी यहां आए थे दक्षिण अफ्रीका के बाद में, तो वो अंग्रेजों के सहायक थे, अंग्रेजों की सहायता करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें यानी क्या प्रसन्न होकर उन गांधी जी को एक उपाधि दी, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन जब गांधी जी हर गांव गांव हर जगह जगह घूमे तो उनको पता चला कि असल जो जड़ है वो अंग्रेज हैं, समझ गए। तो उन्होंने यानी इस खिलाफत आंदोलन के समय यानी उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा उनको दी गई थी जो उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर ने यह नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को, कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था,
तब तो यानी गांधी जी के प्रति भी, यानी गांधी जी के अंदर भी देश प्रेम जाग गया था एक तरह से। तो उन्होंने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि से हुई। कौन सी संधि? सेब्रे, इसकी संधि से हुई, जिसमें क्या हुआ कि तुर्की का विभाजन कर उसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इसके साथ ही ये यानी कौन सी संधि है? सेब्रे की संधि। और सेब्रे की संधि में क्या है कि जो तुर्की का जो विभाजन कर दिया गया और उसमें जो खलीफा का जो पद है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब गांधी जी इस आंदोलन में आने से क्या हो गई, यानी एक तरह से ज्यादा जान आ गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है ऐसा ही होगा आंदोलन। हमें ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से कहना नहीं मानना है, उनका किसी भी काम में सहयोग नहीं करना है, असहयोग। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, रोलेट एक्ट, जो क्या था रोलेट एक्ट, अगर पीछे से अगर थोड़ा सा रिवीजन करें तो रोलेट एक्ट क्या था कि इसका प्रमुख, यानी रोलेट की प्रमुख क्या था उसमें, उसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो, काला कानून की संज्ञा दी गई थी इसे। तो रोलेट एक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद में हंटर कमेटी की रिपोर्ट, फिर तुर्की का विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि, गांधी जी ने, इससे गांधी जी क्या हुए, अत्यधिक पीड़ित हुए। ठीक है, 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से यानी असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। किसने? कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस उस समय एक ऐसी संस्था थी जो यानी पूरे भारत को या पूरे भारतीय लोगों को एक मंच पर लाने का काम कौन कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया कि इस अन्यायी सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का असहयोग नहीं करेंगे, सॉरी सहयोग नहीं करेंगे, जल्दी से गलती से निकल गया, तो कहने का मतलब सहयोग नहीं करेंगे, मतलब असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। और इसके अंतर्गत सरकारी जो उपाधियां, ठीक है, उसको छोड़ना, सरकारी जितनी भी उपाधि जो टाइटल के उनको छोड़ना, विधानसभाओं, न्यायालय, सरकारी शैक्षिक संस्थान, विदेशी माल इत्यादियों का क्या करना, त्याग करना, तथा कर न देना भी शामिल था, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा था। तो कौन कौन से थे इसमें, इसमें यानी जो असहयोग किस प्रकार से करोगे आप, यानी सहयोग नहीं, यानी असहयोग, असहयोग किस प्रकार से करोगे, सरकारी उपाधियों को छोड़ना आपको, ठीक है, इसके अलावा विधानसभाओं का बहिष्कार करना है, न्यायालयों का बहिष्कार करना है, सरकारी शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार करना है, विदेशी माल की होली जलानी है, यानी विदेशी माल को सर्वत्र सब जगह सार्वजनिक स्थानों पर उसकी होली जलानी है, यानी ये हमें सब कुछ करना है, और कर भी नहीं देना, टैक्स भी नहीं देना, ये शामिल था। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना है, गांधी जी ने कहा कि अपने आप को हिंसात्मक नहीं रखना है, अहिंसात्मक रखना है, यानी अनुशासन में रखना है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है, आपसी झगड़े को पंचों के द्वारा तय करना है, उसको निर्णय भी करना है, यानी सुलझाने हैं, हाथ से कटे और बुने कपड़ों का प्रयोग करना है, चरखा, हाथ से कटे हुए और बुने हुए कपड़ों का प्रयोग करना है, इत्यादि कार्य करने थे। अगर आपको पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख यानी क्या क्या उसमें मांग थी, यानी ऐसे मांग में प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, ये प्रमुख कार्य उसके ये थे, ठीक है, या प्रमुख उद्देश्य ये था उसका, हाथ से कटे हुए बुने कपड़ों का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। 1921 में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग कितने, यानी 30,000 व्यक्ति जेल गए, ध्यान देना 30,000 व्यक्ति। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज, ध्यान देना स्वराज्य, अपना स्वयं का राज्य समझ गए, के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया, 30,000 लोगों को यानी जेल में डाल दिया गया, यानी स्वराज्य की मांग को लेकर, ठीक है। जब यह आंदोलन पूरे शिखर पे था, यानी पूरे देश में फैल गया था, तो तभी उस समय 5 फरवरी 1922, डेट याद रखना, 5 फरवरी यानी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गोरखपुर, जो जिला है उसमें एक यानी एक जगह है, यानी चोरी चोरा, ध्यान देना चोरी चोरा हत्याकांड कई बार पूछा जाता है,
चोरी चोरा नामक यानी स्थान पर शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, यानी उस चोरा चोरी यानी स्थान से बिल्कुल शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, तो पुलिस के द्वारा अत्याचार किया गया उन पर, उस भीड़ पर, उस जुलूस पर। तो भीड़ ने पुलिस चौकी को ही क्या लगा दी, आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। जबकि गांधी जी का यह कहना था कि अपने आप को अनुशासन में बनाए रखना है। अरे अनुशासन क्या, कब तक रखेगा आदमी? जब आप पर अत्याचार या लाठी बरसाई जाएगी, गोलियां चलाई जाएगी, तो आपके अनुशासन कहां काम आएगा? जनता काफी आकर्षित हो गई थी भीड़। उन्होंने क्या किया, उसको चारों ओर से घेर लिया। किसको? उस थाने को, और उसमें आग लगा दी, और उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। कितने? 22। ये जब खबर गांधी जी को लगी तो गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, और जब यह आंदोलन पूरे शिखर पर था तो गांधी जी ने वापस अपने पैर पीछे खींच लिए और यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो जब जनता पूरे आवेश में थी, और उस समय गांधी जी ने यह काम किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी को लगा कि ये आंदोलन अब हिंसा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन वापस लिया। क्योंकि गांधी जी से पूछा गया दूसरे नेताओं से, यानी दूसरे नेताओं के द्वारा गांधी से ये पूछा गया कि आपने जब ये आंदोलन पूरे शिखर पर था, तो आपने ये आंदोलन पीछे क्यों लिया, वापस पैर क्यों खींचे अपने? तो गांधी जी का कहना था कि यह आंदोलन जब 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मी एक भीड़ के द्वारा जिंदा जला दिए जाते हैं, तो ये आंदोलन मेरी नज़र में, यानी गांधी जी की नज़र में, हिंसात्मक रूप ले लिया था, इसलिए मैंने ये आंदोलन वापस लिया। तो कहने का मतलब कि शांतिपूर्ण जो जुलूस था, उस पर पुलिस के द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने क्या किया, उस पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें कितने सिपाही, 21 हैं, लेकिन इसमें कई बार 22 सिपाही आते हैं, यानी 21 सिपाही और एक थानेदार हो गए ना 22, यानी 22 लोगों की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख और 12 फरवरी और 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया। क्या लिया? 12 फरवरी, यानी 5 फरवरी को ये घटना हुई और 12 फरवरी को यह आंदोलन ही वापस ले लिया गया। गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता क्या हुए, आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा कि जब जनता पूरे आवेश में थी तो आपने ऐसा काम किया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया। किसका गठन किया? स्वराज। किस किस ने? देखो ध्यान देना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सी आर दास बोला जाता है, ठीक है, उन्होंने यानी कांग्रेस के अंदर की, ठीक है, एक स्वराज पार्टी, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया, यानी विधान परिषदों में भाग लेकर, अब सरकार कौन है यहां पर? ब्रिटिश सरकार, उसके कार्यों में रुकावट डालना इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो अब आ जाता है साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन, देखो 1927-28 की बात है ये, ओके, यानी 1919 के भारत अधिनियम के कार्यों की समीक्षा, यानी 1919 में भारत अधिनियम पारित किया गया था, समझ गए, उसकी समीक्षा, यानी उसकी समीक्षा करने के लिए एक ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था 1927 में, सर जॉन और साइमन, देखो नाम देना, सर जॉन साइमन, उसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। क्या बनाया? एक कमीशन बनाया। अब कमीशन बना लिया, सारे के सारे यानी अंग्रेज थे इसमें जो सदस्य थे। कमीशन क्या होता है? आयोग होता है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी के मेंबर होते हैं। तो इसमें यानी सारे, इसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर? 7, और 7ों के साथ क्या थे, यानी पूरे अंग्रेज के अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय नेता को या किसी भी भारतीय को शामिल इसमें नहीं किया गया, इसलिए जो 7ों ही अंग्रेज थे, इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत, चाहे साइमन कमीशन बोलो, चाहे श्वेत कमीशन बोलो, ठीक है, यानी इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन बंबई पहुंचा, तो इसका जबरदस्त विरोध किया गया बंबई में, और जब ये लाहौर में पहुंचा तो लाहौर में इसका विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने। इसने विरोध किया
लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, उसके नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने क्या कर दी, अंधाधुंध लाठियों की बारिश कर दी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते ना ऐसे लाठी लाठी पड़ने लगी, और जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोट आई, ओके, और उनके सिर पर भी लाठी लगी और सीने में चोट आई, और एक महीने के बाद ही उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। उस समय पंजाब का जो लाहौर का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका नाम था सैंडर्स, ठीक है, उसका देहांत हो गया। 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें कहीं भी औपनिवेश स्वराज की स्थापना की बात नहीं की गई है, ओके, यानी 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई, इसकी साइमन कमीशन की, जिसमें बोला कि कहीं भी औपनिवेशिक की स्वराज की कहीं मांग ही नहीं है कि स्वराज की स्थापना की ऐसी कोई बात नहीं की है, जबकि भारतीयों में तो स्वराज की मांग की थी, जबकि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने यानी कांग्रेस के अंदर क्या किया था, यानी एक स्वराज पार्टी का ही गठन किया था, लेकिन इस कमीशन ने गलत रिपोर्ट पेश की, ठीक है, और एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता की इसमें हत्या, यानी गरम दल के बड़े नेता की हत्या भी हो जाती है। भगत सिंह ही इसका बदला लेते हैं, किसका, इस लाला लाजपत राय के, यानी क्योंकि भगत सिंह और दोनों पंजाब से थे, कौन, लाला लाजपत राय और भगत सिंह। अगर बात करते हैं तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सब जगह देखते हो, हर जगह नोट पे, हर जगह इस शख्स से, यानी ये हमारे महात्मा गांधी जी से कौन परिचित नहीं है, सब इनसे परिचित हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब आ गए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा और आंदोलन, समझ गए, यानी सन 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 प्रारंभ हुआ, ध्यान देना, यानी सन 1930 ईस्वी में, देखो जो कांग्रेस के द्वारा भाई एक डेट की गई थी कि 26 जनवरी और 1930 को इन्हें क्या बनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ओके, तो कहने का मतलब कि कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस, जबकि हमारा सही स्वाधीनता दिवस तो 15 अगस्त 1947 है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि स्वाधीनता दिवस नाम आ गया, तो इसका मतलब कि कांग्रेस ने ये मांग रखी थी कि हम एक स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, समझ गए, तो ये स्वाधीनता दिवस यानी 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और 26 जनवरी का देखो बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी डेट को हमारा जो संविधान जो वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1930 को यानी स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 में प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा से आरंभ हुआ, ध्यान देना 12 मार्च 1930 को, देखो ये ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, किस पर, नमक पर, अरे जो खाने की चीज होती है नमक, उसी पर टैक्स लगा दिया, एकदम चुटकी पर, वो भी ज्यादा नहीं पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा डाल देते हो तो उसका टेस्ट बन जाता है सब्जी का, या हर चीज में नमक की आवश्यकता होती है, तो उस नमक पर ही अंग्रेजों ने, जबकि नमक तो यानी कौन सा, यानी एक तरह से समुद्र का खारा पानी तो है, उस पर गांधी यानी अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगा दिया गया, उस टैक्स के विरोध किया था गांधी जी ने, और गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी, और ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से अपने साबरमती आश्रम, गांधी जी के दो आश्रम थे, एक तो वर्धा वाला आश्रम था और एक साबरमती, समझ गए, तो साबरमती यानी अहमदाबाद में है, अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों, कितने सदस्य हैं इनके साथ, 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा। अब दांडी है गुजरात के तट पर, ठीक है, 200 मील का फर्क है, यानी 200 मील दूर है, यानी पैदल यात्रा शुरू की, और दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है, ध्यान देना भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर है ये, यानी अहमदाबाद से कितना, उनके आश्रम से 385 किलोमीटर दूर, ओके, गांधी जी और उनके साथी
6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, यानी 12 मार्च, ध्यान देना, जब स्टार्टेड 12 मार्च 1930 से शुरुआत की थी और 6 अप्रैल यानी 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल को पहुंचे, यानी लगभग कितने दिन में, 25 दिन में ये इन्होंने यात्रा लगभग पूरी की। दो कितने किलोमीटर की, 385 किलोमीटर की। समुद्र के पानी को वाष्पीकरण के बाद, जब वाष्पीकरण उड़ जाता है तो जो बचता है, यानी वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी इस कानून को तोड़ा था, समझ गए, यानी सरकारी ये कानून उसको खुद गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर और इस कानून को तोड़ा था। नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, आ गई बात, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था, कि कोई भी नमक नहीं बना सकता था। नमक कानून को तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, शुरू हुआ। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ध्यान देना, तमिलनाडु में कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही, यानी त्रिचनापल्ली से वेद रायणम तक की यात्रा की थी, किसके नेतृत्व में, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के, यानी उनके नेतृत्व में, जिस प्रकार से गांधी जी के नेतृत्व में तो उन्हीं प्रकार उनके नेतृत्व में दांडी मार्च, यानी उनके गांधी जी के दांडी मार्च, और उन्होंने एक यात्रा की थी कहां से, यानी त्रिचनापल्ली से और वेद अरायणम तक। अगर हम बात करते हैं तो, यानी धरासना, क्या नाम है, धरासना, धरासना कहां पर है, ये गुजरात, कहां पर है, गुजरात में। सरोजनी नायडू, देखो ध्यान देना, एक नया नाम है सरोजनी नायडू, जो एक प्रसिद्ध कवियत्री भी थी, कविताएं लिखती थी और कांग्रेस की एक प्रमुख नेता भी थी, क्या थी, एक कांग्रेस की प्रमुख नेता भी थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस में पहली बार कोई महिला ने, भारतीय महिला, ध्यान देना, यानी पहली प्रथम भारतीय महिला, इससे पहले श्रीमती एनी बेसेंट बन चुकी थी, लेकिन वो आयरिश की थी, आयरलैंड की थी, भारत की नहीं थी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजनी नायडू ने नमक के सरकारी जो डिपो थे तक अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व, उनकी नेता थी वो, समझ गए, किनकी, जो यानी अहिंसात्मक सत्याग्रहों, जो सत्याग्रही थे ना, उनकी यात्रा का नेतृत्व किया था, किसने, सरोजनी नायडू ने। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और बाद में लोगों ने कर देने से भी मना कर दिया, यानी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की बात है। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस पर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि कांग्रेस नाम की कोई संस्था ही नहीं है। आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर लगभग 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, कितने लोगों को, 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, यानी आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर ही। पश्चिमो उत्तर, देखो पश्चिमी उत्तर जिसको बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व, यानी इससे कौन से का, जो आपका दांडी वाला जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, खान अब्दुल गफार खान ने, किसने किया था, खान अब्दुल गफार खान ने इसका नेतृत्व किया था, और इनको किसके नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से कौन है, खान अब्दुल गफार खान। ओके, साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में, अब जब आंदोलन काफी फैल गया, तब अब ब्रिटिश सरकार को ऐसा लग रहा था कि हम ज्यादा दिन तक यहां पर टिकेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है कि नवंबर 1930 में लंदन के अंदर, यानी गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो यानी 1930 में उस समय आंदोलन काफी, यानी जो सविनय आंदोलन काफी अपने चरम पे था और लोग, यानी काफी लोग, यानी बड़े बड़े नेता, पूरा भारत यानी इस आंदोलन से जूझ रहा था, तो उस समय लंदन के अंदर पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ उस समय। तो देखो आगे क्या होता है इस गोलमेज सम्मेलन में,
कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया कि हम नहीं जाएंगे सम्मेलन और नहीं किसी को भेजा, परंतु भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और अन्य कुछ संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस, कांग्रेस यानी कांग्रेस ने प्रथम गोल में सम्मेलन में अपना कोई भी सदस्य नहीं भेजा था, लेकिन अन्य भारतीय, परंतु अन्य भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है और अन्य कुछ प्रमुख यानी संगठनों ने इसमें भाग लिया था। वायसराय उस समय कौन था? इरविन ने 1930 में द्वितीय गोल में सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को राजी करने का प्रयास किया। क्या किया गया? कांग्रेस को राजी करना, भाई कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो हमारा ये गोल में सम्मेलन है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो उस समय जो वायसराय कौन थे? इरविन। गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, समझ गए, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया गया जिसके खिलाफ हिंसा के आरोप थे ही नहीं, समझ गए, क्योंकि जो 90,000 जेल में बंद किए गए थे तो वो गांधी जी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ कि उन सभी कैदियों को छोड़ा जाएगा जो हिंसा के अंदर शामिल ही नहीं थे। कांग्रेस ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में समझौते को मान लेने और द्वितीय गोल में सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। ध्यान देना, यानी देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है, यानी ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें समझौते को मान लिया, भाई ये समझौता हो गया, किस किस के बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हो गया है और गांधी जी ने, यानी जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा वापस लेंगे और इसके बदले यानी जितने भी जो कैदी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जिन पर किसी प्रकार का हिंसा का आरोप नहीं था, ये चीजें, और गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेंगे, ऐसा अधिनियम यानी कांग्रेस ने यानी पारित कर दिया, ठीक है। द्वितीय गोल में सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। द्वितीय गोल में सम्मेलन के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन जाएगा, तो उसमें गांधी जी को चुना गया। किसको चुना गया? गांधी जी को चुना गया। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कब चला? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर, यानी सितंबर पूरा मान लीजिए, अक्टूबर पूरा मान लीजिए, नवंबर पूरा, 3 महीने तक यह सम्मेलन चला 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, भाई मौलिक अधिकार भी चाहिए हमें, और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और कराची अधिवेशन में प्रस्ताव में उन मौलिक अधिकारों का जिक्र था जिन्हें जाति तथा धर्म के भेदभाव के बिना, यानी न तो जाति का भेदभाव होगा न किसी प्रकार के धर्म का भेदभाव होगा, ठीक है, यानी ये बिना जाति और धर्म के भेदभाव के बिना जनता को प्रदान करने का वादा किया गया था। प्रस्ताव में कुछ उद्योगों का, अब देखो आर्थिक नीति आ गई ना, तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, भारतीय उद्योगों का विकास करना, इसके अलावा मजदूरों और किसानों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, ये स्वीकार किया गया था इस अधिवेशन में। ओके, अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? गांधी जी। गांधी जी के अलावा अन्य भारतीयों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया, यानी जिसमें भारतीय राजा थे, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख संप्रदायों के नेता भी शामिल थे। द्वितीय गोल में सम्मेलन असफल रहा, समझ गए, बात बनी नहीं, जो बात थी मौलिक अधिकारों की और आर्थिक नीतियों की, वो बात अंग्रेजों ने नहीं मानी और गांधी जी कहाँ लौटाए? भारत लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू कर दिया उन्होंने 28 दिसंबर 1931 को। ओके, गांधी जी और दूसरे नेता क्या के लिए गिरफ्तार हुए? करीब 1 साल के भीतर ही 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और आंदोलन को मई 1934 में वापस
ले लिया गया। अगर अगर हम बात करें तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से ये कौन सा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वापस 1934 में यानी पूरे तरह से वापस से ले लिया गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा यानी गांधी जी का असहयोग आंदोलन और दूसरा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1931 तक तो पहुंच गए हम, 34 तक पहुंच गए हैं क्योंकि आंदोलन 34 में वापस पूरी तरह से ले लिया गया। अब इस आंदोलन में और आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए हमें आगे की क्लास, आगे क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आंदोलन और आगे बढ़ता है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।